Do subscribe and press the bell icon. So when we will upload video, you will get notified. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो लेटेस्ट अपडेट आई है 16 मार्च को, वो आपको बता देता हूं। और जो कि कनिष्ठ सहायक 2016 की भर्ती, जिसका टंकड़ परीक्षा लगा हुआ है, 18 मार्च से 26 मार्च तक आयोजित की जाने वाली थी और हिंदी और अंग्रेजी टंकड़ परीक्षा का आयोजन होना था, परंतु यहाँ पर जो उक्त परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त टंकड़ परीक्षा जो कि 18 मार्च से 26 मार्च तक आयोजित की जानी थी, उसे कोरोना वायरस के संक्रमण से संबंधित बीमारी से बचाव व रोकथाम दृष्टिगत आयोग की अगली सूची तक स्थगित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली यही अपडेट है कि आपकी जो परीक्षा यानी कि जो टंकड़ परीक्षा थी 4264 अभ्यर्थियों का, तो वो स्थगित कर दी गई है। और जैसा कि आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिल रहा होगा, जो कि वायरस कोरोना वायरस के नाम से जाना जा रहा है, और इसी के चलते ये परीक्षा स्थगित की गई है। और 500 अभ्यर्थियों के जो 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था 4264, और जो अगली अपडेट आएगी आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट दी जाएगी, और जो कि जैनमिन होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, दोपहर में ही कन्फर्म हो गया था कि ये परीक्षा जो टंकड़ परीक्षा थी कैंसिल हो जाएगी, और काफ़ी मैसेज है, मैंने अपने मैसेज में भी दे दिया था, परंतु ये क्लियर अब हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद, इसलिए मैंने आपको वीडियो दिया है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि र्यूमर्स अलग होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले दोपहर में ना देके अब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया, इसलिए मैं वीडियो दे रहा हूँ। चैनल पर बने रहें, आपने अभी नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दें जितने भी अभ्यर्थी हैं आपके जानने में जिनका टंकड़ परीक्षा लगा हुआ है, क्योंकि 18 तारीख एक ही दो दिन बाकी है। और भी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू। फ्रेंड्स, आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप जो परीक्षा स्थगित हुई है, तो आप लोगों को पता चल गया है कि कोरोना वायरस की वजह से ही स्थगित की गई है, और स्वस्थ रहें, और इसके जो प्रिकॉशन हैं वही आप अपने माध्यम से यानी कि जो आपसे हो सकता है प्रिकॉशन बरतें। अभी बेसिकली इसका तो उपचार नहीं संभव है, और प्रिकॉशन ही बरत सकते हैं, और क्योंकि खाने से यानी क्योंकि हाथ ना किसी को हैंडशेक ना करें किसी से, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी से भी कन्वर्सेशन पास से ना करें, 1 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, और जो मास्क वगैरह हैं लगाएं, या भीड़ वाली इलाकों में मत जाएं जहाँ पे 4 लोग 10 लोग सामूहिक बातचीत कर रहे हैं, उसमें ना शामिल हों। तो जितना आप सेपरेट रह पाएँ उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा ये इस पर हम लोग इससे जीत सकते हैं, ना इसका भी कोई वैक्सीन बना है, तो जिसके चलते हम लोग बस इससे थोड़ा सा सजग और जागरूक हो जाएं, वही हमारे लिए हितकारी होगा। ठीक है, तो इसलिए आप बचे रहें, स्वस्थ रहें, और भी कोई जानकारी आती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा।